बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानू ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी जनपद के थाना नवाबाद पुलिस ने रात में टायर की दुकानों को अपना निशाना बनाकर कीमती टायर उड़ाने वाले गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को दबोचने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस लाइंस के सभागार में इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर की रात में जोगन बाग स्थित आनंद टायर्स की दुकान के ताले तोड़कर 8 टायर चुरा लिए गए थे। इस घटना के बाद से ही पुलिस टायर चोरों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आज तड़के पुलिस ने क्रिश्चियन हॉस्पिटल के पीछे स्थित खंडहर से टायर चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से खंडहर में छिपाकर रखे गए चोरी के 8 टायर बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम शाहरुख कुरैशी, तालिब खान, वसीम कुरैशी निवासीगढ़ ओरछा गेट बाहर, अमित यादव तथा चंद्रशेखर यादव निवासीगढ़ खुशीपुरा बताया। अमित व चंद्रशेखर रेल बाजार कानपुर के रहने वाले हैं तथा खुशीपुरा में रवि यादव के मकान में किराए से रहते हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, गैंगस्टर की भी कार्रवाई की है। ये लोग एक तरह से शहर के गोदाम में काम करते थे, उनको जानकारी थी, तो उसी का फायदा उठा कर ये